हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे मैकेनिकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सैमसंग वाशिंग मशीन की जो वाश मोटर है दोस्तों उसका टाइमर रिपेयर कैसे करें और उसके वायर कनेक्शन कैसे करें उसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों ये हमारी सैमसंग कंपनी की वाशिंग मशीन है और ये देख सकते हैं हमने इसका जो वाश टाइमर है दोस्तों वो खोल लिया है। तो ये देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल टाइमर है दोस्तों, इसके अंदर मोटर लगी होती है जो मोटर के हिसाब से इसकी जो गिरास होती है वो घूमती है जिससे हमारी जो वाश मोटर है वो चलती है। तो देखिए जो हमारा वाश टाइमर है उस पर यहाँ पे देखिए लेवल लगा हुआ है जो 250 वाट यहाँ पे इसके और 3 एम्पीयर लेता है दोस्तों ये, ठीक है। तो उस पर लिखा हुआ है और ये जो हमारा वाश टाइमर है दोस्तों इसमें देखिए दो तारें दी हुई हैं, दो तारें हमारी बजर की तारें हैं, ठीक है दोस्तों, जो ग्रे और पिंक कलर की है हमारी बजर की तारें हैं और बाकी जो सी 4 तारें हैं दोस्तों, यानी टोटल 6 तारें हैं, 2 बजर की होगी और जो सी 4 तारें बाकी रह गई हैं दोस्तों। जो सी इसमें पीली है ये हमारी फेस की है दोस्तों, ठीक है, और जो हमारी ब्राउन और जो हमारी आसमानी जो कलर की है दोस्तों ये हमारी सेल की तारें होंगी, ठीक है, और जो हमारी वाइट रहेगी वाइट हमारी दोस्तों मोटर की तारें हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार इसके जो कनेक्शन है बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको इसकी वायरें समझा दी हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इसको रिपेयर करेंगे दोस्तों। इसमें दिक्कत ये आ रही थी कि जब हम इसको घुमाते थे तो हमारी मोटर कभी चल जाती थी कभी रुक जाती थी, तो दोस्तों इसमें ये प्रॉब्लम आई हुई है। तो हम इसके जो पीछे जो पेंच जो है नट दे रखे हैं दोस्तों वो हम खोल लेंगे। तो यहाँ पर जब हम इसको खोल लेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार यहाँ पर इसमें 2 ओम लगे हुए हैं दोस्तों, ठीक है, जो कि जो इसके अंदर मोटर है उसकी जो कैपेसिटी उसको चलाते हैं दोस्तों, उसमें जो फेस न्यूट्रल दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी खोल देंगे हम, जो नीचे का पार्ट दिया हुआ है तो ये इसके नीचे दोस्तों आपको मोटर दिखाई देगी, ठीक है, जो छोटी मोटर होती है दोस्तों देखिए यहाँ पे, तो ये इन गिरालियों को जो घुमाती है और उसके हिसाब से चलती है। तो ये डबल टाइमर है, स्मार्ट टाइमर है दोस्तों सैमसंग वाशिंग मशीन का, तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल टाइमर है और 6 वायर वाला ये टाइमर है दोस्तों, और ये डबल है, इसमें सिलेक्टर भी होता है और वाश टाइमर भी होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोनों वर्क करता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो इसकी जो हमारा टाइमर है दोस्तों यहाँ पे इस पर लेबल लगा हुआ है दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें आपके घर पे किस कंपनी की वाशिंग मशीन है दोस्तों। हमने सभी टाइमरों से वाशिंग मशीन से रिलेटेड सारी वीडियो बना रखी है, चाहे 6 वायर वाला हो, 7 वाला हो दोस्तों, या 8 वायर वाला हो, 3 वाला हो, 4 वाला हो, सारे टाइमरों पर हमने वीडियो बना रखी है, हमारे चैनल पर जाके आप वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए हमने इसको टाइमर को खोला है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अंदर से इसकी जो पिने हैं जो गरारियाँ हैं दोस्तों इस प्रकार इसकी आपस में अटैच होती है दोस्तों, ठीक है, मोटर के हिसाब से जब वो घूमती है चलती है। तो दोस्तों इस प्रकार ये वर्क करता है, दूसरी साइड सिलेक्टर लगा होता है दोस्तों और एक साइड इसका टाइमर होता है, देखिए दोस्तों इस प्रकार इसके अंदर पत्तियाँ लगी हुई हैं और ये जो टाइमर है अंदर से दोस्तों इसकी जो पत्तियाँ हैं यहाँ पे सड़ी हुई है, ठीक है दोस्तों। तो हम बाज़ार से भी आपको ये टाइमर आसानी से मिल जाएगा, आप बाज़ार में जाके सैमसंग कंपनी का टाइमर आसानी से ले सकते हैं। और उनकी यदि आपको कनेक्शन नहीं पता कि कौन सा कहाँ लगाना है तो रंग के हिसाब से आप तारें लगा सकते हैं, यानी कि आपको हमने इसका वायरिंग भी बता दी है कि कौन सी कहाँ पे लगेगी, ठीक है दोस्तों। तो इसी हिसाब से भी आप हमारी वीडियो देख के अपने घर पे अपनी वाशिंग मशीन का टाइमर चेंज कर सकते हैं। थैंक